मिशन 2019 को लेकर अखिलेश ने कौन सा नारा दिया है? क्या एसपी बीएसपी का दिल मिला पाएगा? अखिलेश का नारा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी से हाथ मिलाने के बाद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दिल मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। असल में प्रियंका गांधी की एंट्री ने सूबे में चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव को वोटों के बंटने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि उन्होंने एसपी बीएसपी कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए एक नारा दिया है। दरअसल टिकटों की मारामारी के बीच अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है। ये नारा उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं दिया, उनके मन की ये बात सहयोगी दल बीएसपी और आरएलडी के लिए भी है। अपने एक ट्वीट में अखिलेश ने लिखा है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। प्रिय समाजवादियों, ये नारा मैं अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में अपनी जीत व लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए दे रहा हूँ। अपने अपने बूथ पर सहयोगी दलों के साथ शत प्रतिशत मतदान के लिए अभी से जुट जाइए। राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश के इस नारे के सियासी मायने निकाल रहे हैं। जानकारों की माने तो अखिलेश की चिंता इस बात को लेकर है कि एसपी बीएसपी के वोटों का बंटवारा ना हो। 25 सालों की दुश्मनी के बाद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है। सालों की कड़वाहट को खत्म कर साथ साथ कैसे चले? जानकार कहते हैं कि माया के एक इशारे पर उनके वोटर वोट डाल देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बीएसपी का वोट आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन क्या एसपी के मामले में भी ऐसा हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। क्या यादव बिरादरी और एसपी समाज के लोग बीएसपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे? मुस्लिम वोटरों को लेकर कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। इसी सवाल से निपटने के लिए अखिलेश ने ये नया नारा गढ़ा है। हालांकि इस नए नारे को घर घर तक पहुंचाने की चुनौती है। आपको बता दें कि एसपी बीएसपी ने 1993 में मिलकर यूपी में सरकार बनाई थी। उन दिनों राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन मुलायम सिंह और काशी राम की जोड़ी ने कमाल कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश और मायावती की जोड़ी इस कामयाबी को दोहरा पाएगी? क्या अखिलेश का ये नारा दोनों दलों के दिल को मिला पाएगा? इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।